दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा या फिर देखा होगा मोबाइल की बैटरी फट गई, मोबाइल ब्लास्ट हो गया। और किन किन रीज़न से मोबाइल फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट होता है, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट होता है, बड़े बड़े यूट्यूबर बताते हैं यहाँ पे इस रीज़न से मोबाइल फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। इस बात में कितना मिथ है और आपके मन में क्या गलतफहमी है जिससे कि आप सोचते हो कि इस रीज़न से मोबाइल फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाता है या फिर मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों एक्चुअल में क्या रीज़न है जिससे कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है, और आपके मोबाइल की बैटरी कभी ब्लास्ट ना हो, इससे आप कैसे बच सकते हो, ये सब मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पहला मिथ आपका गलतफहमी, अगर मोबाइल ज़्यादा गर्म हो जाता है, ज़्यादा हीट हो जाता है तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं वो जब भी मोबाइल को रिपेयर करते हैं या फिर डिस्प्ले को खोलना होता है या फिर बैटरी को खोलना होता है तो हीट मशीन के ऊपर मोबाइल को 2 या फिर 3 मिनट तक रख देते हैं और हीट का जो टेम्परेचर होता है वो 80 डिग्री सेल्सियस से 120 से भी पार चला जाता है कभी कभी, और 2-3 मिनट तक मोबाइल को रख देते हैं, मोबाइल इतना गर्म हो जाता है मानो उसे आप हाथ से पकड़ नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद मोबाइल का डिस्प्ले या फिर बैटरी को वो बदलते हैं, उस टाइम मोबाइल की बैटरी क्यों नहीं ब्लास्ट होता है, मोबाइल फ़ोन क्यों नहीं ब्लास्ट होता है। दूसरा मिथ आपका गलतफहमी, अगर मोबाइल बैंड हो जाए या फिर मोबाइल फ़ोन की बैटरी बैंड हो जाए तो मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों जब मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला मोबाइल की बैटरी को खींच के निकालता है तो उस टाइम मोबाइल की जो बैटरी होता है वो बिल्कुल बैंड हो जाता है, मोबाइल की बैटरी बिल्कुल फ्लैक्स हो जाता है, मुड़ जाता है, और उसे गर्म करके भी निकालते हैं तो उस टाइम मोबाइल की बैटरी फट क्यों नहीं जाता है, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट क्यों नहीं हो जाता है। तीसरा मिथ आपका गलतफहमी, अगर मोबाइल को रात भर चार्ज पे लगा दोगे तो सुबह तक मोबाइल बूम ब्लास्ट हो जाएगा। दोस्तों जो लोग जॉब करते हैं या फिर कोई काम करते हैं वो रात के 8 या फिर 9 बजे घर आते हैं, तब तक उनका मोबाइल का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुका होता है, उसके बाद उनका जो भी खाना पीना होता है वो खा पी के मोबाइल को चार्ज लगा देते हैं और सो जाते हैं, सुबह मोबाइल को लेकर ड्यूटी निकल जाते हैं। और आपका स्मार्टफोन इतना स्मार्ट होता है उसे पता चल जाता है कि आपका मोबाइल फुल चार्ज हो चुका है, उसके बाद वो चार्ज नहीं लेता है। तो यहाँ पे क्या मतलब, कोई भी बंदा अगर ड्यूटी से आया उसके बाद वो लगा के रख देगा मोबाइल को कि 2 घंटा होगा मेरा मोबाइल चार्ज होगा उसके बाद मैं सोऊंगा, या फिर ड्यूटी जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाएगा उसके बाद मोबाइल को लगाएगा और देखेगा मेरा मोबाइल चार्ज होगा फिर मैं ड्यूटी जाऊँगा। तो दोस्तों मोबाइल फ़ोन बहुत ही स्मार्ट होता है, जो भी कंपनी बनाती है वो स्मार्ट तरीके से बनाते हैं और उनको पता चल जाता है कि बैटरी चार्ज हो चुका है और उसके बाद जो कि मोबाइल उस बैटरी को और चार्ज नहीं करता है। और बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे भी है वो कहते हैं कि ये मोबाइल ये वाला एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो या फिर ये सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो और आपका जो मोबाइल की जो बैटरी है वो बूम ब्लास्ट हो जाएगा, मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब मिथ है, और मतलब 3 साल पहले से मैं ये सब यूज़ कर रहा हूँ, मैं लगातार जो कि रात में सोता हूँ तो मैं चार्ज पे लगा के सो जाता हूँ और सुबह मोबाइल को लेके चला जाता हूँ दुकान पे, अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर आपको बैटरी को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करना है तो आप रात भर बैटरी को चार्ज ना करें, आपका जो स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसका जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे घटने लगती है, हालांकि एक साथ आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे कि आपकी बैटरी 4 साल तक रुकेगी तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आप दिन रात बैटरी को चार्ज करोगे तो यहाँ पे जो कि आपका जो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे घटने लगती है, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे कि आपका बैटरी का लाइफ 4 साल था तो वहाँ पर आप 3.5 साल ही यूज़ कर सकते हैं, 6 या फिर 7 महीने यहाँ पे घट जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्चुअल रीज़न की जिससे मोबाइल फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो जाता है। पहला जो रीज़न है वो है अगर आपका चार्जर या फिर डाटा केबल ख़राब हो जाता है। अगर आप कोई मार्केट से सस्ते या फिर कॉपी से कॉपी वाले अगर आप प्रोडक्ट का यूज़ करते हो तो वो आपके लिए बहुत ही हार्मफुल है। दोस्तों क्या होता है, अगर आप जब भी लोकल चार्जर को यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो करंट आता है वो करंट बिल्कुल स्टेबल नहीं होता है, जैसे कि ओरिजिनल चार्जर में जो करंट होता है वो बिल्कुल स्टेबल होता है और जो लोकल चार्जर में वो स्टेबल नहीं होता है, जिससे क्या होता है कि मोबाइल की जो बैटरी होती है उसमें भी एक IC होता है, तो जो भी करंट आता है जो कम बढ़ती होता है तो क्या होता है कि बैटरी के जो मोबाइल की जो बैटरी में IC होती है वो उस करंट को मतलब सर्किट को अच्छी तरह से सप्लाई नहीं कर पाता है, और वो जो बैटरी के जो IC लगी होती है वो IC धीरे धीरे शॉर्ट होने लगता है, जिससे कि बैटरी धीरे धीरे
फूलने लगता है और एक टाइम ऐसा आ जाता है जब मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। अब दूसरी रीज़न की जो बात करें दोस्तों, अगर आपका फ़ोन अगर फिजिकली कोई भी जैसे कि आयरन या फिर कोई मेटल की चीज़ से अगर पीछे से अगर उसमें अगर छेद कर दोगे बैटरी में या फिर मोबाइल के ढक्कन के ऊपर से छेद कर दोगे, तो क्या होगा कि वहाँ पे मोबाइल की फ़ोन की बैटरी जो ब्लास्ट हो जाएगा। वो ब्लास्ट इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो बैटरी बनी होती है स्मार्टफोन की मोबाइल की, वो लिथियम से बनी होती है। तो लिथियम में क्या होता है जो कि बैटरी का जो भी वो होता है एनोड और कैथोड होता है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर घूमता रहता है और जहाँ पे अगर कोई आयरन या फिर कोई मेटल की चीज़ से अगर आप उसमें छेद कर दोगे तो वहाँ पे आग पकड़ लेता है और उससे उसके वजह से जो कि बैटरी ब्लास्ट हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपका कभी भी चार्जर या फिर डाटा केबल ख़राब हो जाता है तो आप यहाँ पे ओरिजिनल या फिर आप अच्छे ब्रांड के जो कि चार्जर या फिर डाटा केबल का यूज़ करें, जिससे कि आपको भविष्य में कभी ऐसा देखने का नौबत ही ना आए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद है अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, अपने शक्कर संबंधी फैमिली में ज़रूर शेयर करना। ये नॉलेज सबके सब स्मार्टफोन यूज़र के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। दोस्तों आज के लिए बस, मिलते किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।